नमस्ते किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है पंजाब एग्रो टेक चैनल में और मैं हूं आपका अपना दोस्त पुष्पेंद्र कुमार। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेनफोर्स पंजाब एग्रो का P910 बैक टोकरी मल्टी क्रॉप थ्रेसर मॉडल 2024। और इस 2024 मॉडल में आपको कई सारी विशेषताएं देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप हमेशा देखते हैं कि रेनफोर्स पंजाब एग्रो की तरफ से नए नए चेंजेस और अपडेटेशन मशीन में होते रहते हैं, जो कि किसान भाइयों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि इसमें एक यहां चेंजेस किया गया है। किसान भाइयों को फील्ड में क्रॉप फसल वाइज ड्रम के आरपीएम चेंज करने में दिक्कत हुआ करती थी, उसको यहां पूरा खोलना पड़ता था। उसके लिए कंपनी ने एक चेंजेस किया है कि यहाँ से ये एडजस्टेबल यहाँ पर ये मैकेनिज्म दिए हैं, जिससे आप यहाँ से इसको खोल के लूज करके बेल्ट को आसानी से चेंज कर सकते हैं। और दूसरा चेंजेस देखने को मिलेगा कि इसमें आपको एलईडी लाइट सभी जगह, जैसे कि इधर इस साइड दाने की जहाँ दाना निकलता है, यहाँ दाना निकलता है, तो यहाँ ये एक एलईडी लाइट दी गई है जो कि एडजस्टेबल है। इससे क्या है कि आपको नाइट में खेतों में काम करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। ज़्यादातर लोग जब फसल का सीजन चलता है तो डे नाइट चलाते हैं, ऐसे में नाइट में लाइट की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार मिलता है। और इसमें पीछे भी यहाँ ड्रम पे दो लाइट दे रखी हैं, ये एलईडी लाइट हैं। इनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये बहुत ही कम करंट लेती हैं और जो लाइट की इंटेंसिटी है, जो रोशनी है, वो काफ़ी अच्छी मिलती है। और इस थ्रेसर में आपको देखने को मिलेगा एलिवेटर, जो कि फोल्डिंग या एडजस्टेबल एलिवेटर है। यहाँ से खोल के आप इसको सीधा दाने को ट्रॉली में निकाल सकते हैं, और यदि ट्रॉली में नहीं बोरे में निकालना हो तो यहाँ ये हुक दे रखे हैं, उसमें हुक में लगा के कट्टे या बोरे में निकाल सकते हैं। नीचे यदि ग्राउंड फ्लोर पे आपको निकालना हो तो यहाँ से इसको खोल के इस तरह ग्राउंड फ्लोर पे भी दाने को निकाल सकते हैं। और इसमें ये टूल बॉक्स दिया गया है, जिसमें आप अपना कोई भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो थ्रेसर है वो रेनफोर्स पंजाब एग्रो रामपुरा फूल भटिंडा द्वारा निर्मित है। और यदि इसके टायर के बारे में बात करें तो इसमें 11/5/80/16 के टायर दिए गए हैं, जो कि काफ़ी चौड़े टायर हैं। और ये इसकी बैकटोकरी है बास्केट, जिसका बेनिफिट ये होता है कि इसमें थोड़ा लेबर की बचत हो जाती है। बिना बास्केट वाले थ्रेसर में लेबर थोड़ी ज़्यादा लगती है। और कंपनी की तरफ से किसान भाइयों के लिए एक विशेष सुविधा उपलब्ध है, एक कंपनी ने कस्टमर केयर नंबर दे रखा है। यदि किसी किसान भाई को किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो वो इस कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर सकता है। इनका कस्टमर केयर नंबर है 1800203026। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी टोकरी का साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसका ऑगर भी काफ़ी बड़ा दिया गया है। ऑगर का साइज में बड़ा होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि फसल का फंसने की समस्या नहीं आती ऑपरेशन के दौरान। और ये इसका फीडिंग सिस्टम है, जिसमें चैन और स्प्रॉकेट द्वारा फीडिंग सिस्टम दिया गया है। और ये इसका पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है। और आपको इस थ्रेसर में एक और खासियत देखने को मिलेगी, इसकी सभी पुलियों में बुश दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ बुश दिया गया है। बुश का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप बहुत ही ईजिली पुल्ली को ज़रूरत के अनुसार चेंज कर सकते हैं। इससे पुल्ली को चेंज करने में बहुत ही आसानी होती है। और ये इसमें हैवी वेटेड दो फ्लाई व्हील दिए गए हैं, जिसका बेनिफिट है कि इसका जो बैलेंसिंग है वो बहुत ही अच्छा है। और ऑपरेशन के दौरान आपको मशीन में किसी भी तरह का वाइब्रेशन वगैरह देखने को नहीं मिलता है। और इससे क्या है, जो ऑपरेशन है या फसल जब निकलती है तो थ्रेसर की आवाज़ भी काफ़ी कम रहती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये रिटर्न पाइप है। ऑपरेशन के दौरान या वर्किंग के दौरान जब कोई भी कचरा या वेस्टेज निकलता है तो एक बार फिर रीथ्रेसिंग के लिए इस ऑगर में आ जाता है। यहाँ से ये दो पॉइंट हैं, यहाँ से और ये लास्ट फिल्टर से, तो दोनों को ये एक बार फिर रीथ्रेसिंग के लिए बैक टोकरी में इस पाइप के थ्रू चला जाता है और फसल एक बार फिर रीथ्रेसिंग हो जाती है, जिससे क्या है किसान भाइयों को एकदम साफ़ सुथरी क्लीन फसल मिलती है और उससे उनको मंडी में भाव भी काफ़ी अच्छा मिलता है। और ये इसके एग्जॉस्ट फैन है, जो कि इसमें 3 एग्जॉस्ट फैन दिए गए हैं, जिनसे काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई मिल जाती है। और ये इसका हिच है,
जिसमें आपको हिच में देखने को मिलेगा। इसकी जो प्रोफाइल है वो इस तरह डिज़ाइन की गई है कि आपको बहुत ही कम टर्निंग रेडियस में ट्रैक्टर की मुड़ाई कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका जो फ्रेम है वो काफ़ी हैवी है, जिससे जो मशीन की हमारी ओवरऑल जो लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाती है। बाकी आपको ये कवर जो देखने को मिलेंगे वो सारे लेज़र कटिंग में हैं, जो कि काफ़ी हैवी मेटल सीट के हैं, काफ़ी थिक मेटल सीट के हैं, जिससे इनकी जो ओवरऑल लाइफ भी काफ़ी बढ़ जाती है और किसान के लिए फसल ऑपरेशन या वर्किंग के दौरान सेफ्टी भी मिलती है। और जैसा कि आपने अभी देखा कि इसमें पूरा लाइट दे रखा है, नाइट में काम करने के लिए एलईडी लाइट लगा दे रखी है। तो ये इसका यहाँ पर वायर है, इसको आप अपने ट्रैक्टर में लगा के नाइट में आराम से काम कर सकते हैं, फसल की थ्रेसिंग कर सकते हैं। और ये जो थ्रेसर है वो एक मल्टी क्रॉप थ्रेसर है। इस थ्रेसर से आप सभी तरह की फसलों की गाही कर सकते हैं, जैसे गेहूं, सरसों, मूंग, मसूर, अरहर, उर्द, राजमा, इस तरह आप सभी फसलों की गाही कर सकते हैं। और इसको आप मात्र 35 से 40 एचपी के ऊपर के ट्रैक्टर से चला सकते हैं। और कोई भी किसान भाई इस थ्रेसर से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहता है या इसको ख़रीदना चाहता है या इनकी डीलरशिप लेना चाहता है तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। किसान भाइयों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।